हम कहाँ पे थे? यहां तक हमने पढ़ लिया था ना, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था थोड़ा सा, मतलब कि डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये मैं स्लाइड भी आपको दिखा दी है एक बार कि अभी हमने ये डिस्कस किया था, देन ये भी हमने डिस्कस कर लिया, देन ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमारी स्लाइड जो है, फर्क बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में और साइबर सिक्योरिटी में क्या है, यहाँ पे आपके दो तीन सवाल क्लियर हो जाएंगे जो भी आप पूछ रहे थे, ठीक है। फर्क क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। तो अगर नॉर्मली मैं टर्म में देखूं, कि नॉर्मली सिक्योरिटी टर्म में देखूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी नॉर्मली बेसिक लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे, बिगिनर लेवल पे सेम है। दोनों का काम क्या है? सिक्योरिटी मेंटेनेंस, अनऑथराइज एक्सेस से रोकना, अवेलेबिलिटी रखना, इंटीग्रिटी रखना, ठीक है, कौन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसे मेंटेन रखना, यही काम है, ठीक है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले पर्सन से, क्यों? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले का काम क्या होता है, वो सिर्फ आपका कर रहा होता है इंफॉर्मेशन ब्रीच होने से रोक रहा होता है, मतलब वो इस तरह का इन्वायरमेंट बनाता है कि डेटा ब्रीच ना हो, चोरी ना हो, ठीक है। और जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक तो चोरी ना हो, और इन दैट केस चोरी हो गया तो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ या क्यों हुआ, उस चीज को एनालाइज करना, ये साइबर सिक्योरिटी का काम है, ठीक है। हाँ, और सेकेंड नंबर पे भी साइबर सिक्योरिटी वालों का ये भी काम है कि इन द पॉजिटिव वे रहते हुए कि मेरे पास एक नेटवर्क है या एक चीज है, या लैपटॉप हम स्टार्ट करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल, पासवर्ड लग गया, ठीक है, पासवर्ड लग गया, हमने मोबाइल का पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, रिकवर करना है, नहीं हो पा रहा, नॉर्मली क्या होता है, डेटा डिलीट हो जाता है, आपने डेटा बचाना है, तो आपने यहां ये देखना है कि डेटा किस मोबाइल का बचता है, किसका नहीं। मैं आपको भी एडवांस में बता रहा हूं, हर मोबाइल का डेटा नहीं बचाया जा सकता, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने बिना मतलब के पास डेटा लॉस किए आप मोबाइल की स्क्रीन लॉक को बाईपास कर सकते हैं तो वैलिड है, हर मोबाइल नहीं होता, ठीक है, होते हैं मैक्सिमम मोबाइल, हर मोबाइल नहीं होते। और फिर कई बार इसमें ये होता है कि कई लोग होते हैं जो आप लोग इनमें से किसी साथ हुआ है, फोन का पासवर्ड भूल जाए तो हम मार्केट जाते हैं, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर होगा इसका, बहुत बार हुआ है, पर आपको बताऊं सॉफ्टवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं करते आपके मोबाइल का, वो आपके मोबाइल को कर देते हैं हार्ड रीसेट। लेकिन अब गूगल साहब आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं, तो गूगल बाबा ने नया एक टेक्निक लगाई है कि अगर आपका मोबाइल हार्ड रीसेट कर भी दिया जाए तो उस पे गूगल का पासवर्ड लगता है, वो कहता है जो पुराना ही गूगल ईमेल लगा हुआ था ना वो लगाओ, ठीक है, उसको कैसे बाईपास करना है, उसके हर चीज मतलब स्टडी में नहीं है। अब ये जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ये टिप है, ये टिप्स दूंगा, ये साइबर सिक्योरिटी टर्म में आता है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली आपके टिप्स, ट्रिक्स और इन चीजों में बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, जस्ट नॉलेज में नहीं जुड़ी हुई, ठीक है, नॉलेज पे सिर्फ नहीं जुड़ी हुई आपकी चीजें, कई चीजें टिप में है, ट्रिक्स में है, कई सर्चिंग पे है, कई ऐसे सवाल आते होंगे जो आपको सेल्फ बेस्ड स्टडी करने पड़ेंगे, नहीं है भाई जब आप क्या करें, सेल्फ बेस्ड स्टडी करो, ठीक है, तो वो सारा कुछ इसमें आता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिक सा फर्क है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्रीच होने से रोकना, या इन्फॉर्मेशन ब्रीच ना हो ये चीज देखना, या अगर हो जाते तो इन्फॉर्म करना साइबर सिक्योरिटी वाले को। साइबर सिक्योरिटी वाले का क्या काम है कि इन दोनों चीजों को भी देखना, सेकेंडली इन्फॉर्मेशन जो ब्रीच हो रही है उसको भी एनालाइज करना, और जो ब्रीच हो चुकी है उसको पकड़ना कि कैसे हुआ ये काम, ओके। देन हमारे पास आता है व्हाट इज साइबर स्पेस, ओके, दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी स्वीट वर्ड, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस को अगर मैं एक लफ्ज में खत्म करना चाहूं ना तो कर सकता हूं, साइबर स्पेस इज द इंटरनेट, एक लाइन में खत्म करने का सिंपल सा वे है, साइबर स्पेस इज द इंटरनेट, ठीक है, ऐसी स्पेस जहां पे साइबर का काम होता है, इंटरनेट भी होता है ना, बस ठीक है, इन एक लाइन में खत्म हो गया, क्लियर हो गया, बट ऑफलाइन भी होता है, लेकिन ऑफलाइन इंटरनेट भी होता है, होते हैं,
आगे नेटवर्किंग भी शुरू करेंगे, देखेंगे ऑफलाइन इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ऑफलाइन मीन्स होता है कि कंपनी टू कंपनी, सेम कंपनी विद इन अ नेटवर्क है कि लोकल इन्वायरमेंट, जैसे कि हम एक क्लास में हैं, हमारा एक इन्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी का, साथ वाली एक क्लास है उसका इन्वायरमेंट है नेटवर्क, उसका नेटवर्क्स का, ठीक है। अब हम आपस में इजीली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। आप में से कोई एक पर्सन उठे साथ वाले रूम में जाए, वहां जाके आप पूछने लग जाए साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ऑफ द रिकॉर्ड बात होगी ना उनके लिए, ठीक है। तो ये विद इन नेटवर्क है, इसे आप कहते हैं बेसिकली ऑन नेट मीन ऑन नेट कम्युनिकेशन, के विद इन नेटवर्क, एक नेटवर्क में रहते हुए कम्युनिकेशन करना। जैसे कि जैज टू जैज, जैज टू जैज आपके पास 500 मिनट है, ठीक है। इट मीन्स के विद इन नेटवर्क आपके पास इतने मिनट हैं, ठीक है। और ऑफ नेट मिनट होते हैं, सॉरी मैं पहले वर्ड गलत इस्तेमाल कर गया था, ऑफ नेट होते हैं दूसरे रिकॉर्ड में जाना, ठीक है। ऑन नेट होता है बेसिकली कि एक नेटवर्क में रहना, ठीक है। जैज टू जैज, यू फोन का पैकेज, इट मीन्स यू फोन टू यू फोन, अब मुझे भारत का मैसेज आया, इट मीन्स भारत टू भारत, लेकिन अब भारत और जैज इकट्ठा हो गया इसलिए इन दोनों को हम एक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ऑनलाइन नेट मिनट होते हैं। जो ऑफ नेट मिनट होते हैं वो होते हैं कि मैं जैज से यू फोन पर भी कॉल कर सकता हूँ, मैं जैज से दूसरे नेटवर्क पर भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सेम इंटरनेट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, चलिए बात स्टार्ट हुई तो हम इस चीज को क्लियर करके हम इस पे आते हैं, ठीक है। ऐसे इंटरनेट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक इंटरनेट को रखा गया है लोकल इंटरनेट, ठीक है, जिसे हम लोकल इंटरनेट नहीं लोकल नेटवर्क बोलते हैं, और एक को रखा गया है वायर्ड नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। अब लोकल इंटरनेट में कम्युनिकेशन हो सकती है हम आपस में लोगों के, जो विद इन नेटवर्क मौजूद हैं, हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं बिना इंटरनेट के, बिना मैसेज का हम सब कुछ कर सकते हैं, हम फाइल शेयर कर सकते हैं बिना इंटरनेट के, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट विद इन अ नेटवर्क। जब नेटवर्क के हम आउट जाते हैं, नेटवर्क के बाहर जाते हैं, मतलब के हम जाते हैं इंटरनेट पे, मैंने अमेरिका फाइल भेजनी है, वो तो मेरे नेटवर्क में नहीं है ना, तो इट मीन्स वो ऑफ नेटवर्क है। ऑफ नेटवर्क के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटरनेट, जिससे हम अपने नेटवर्क की जबान में बोलते हैं वायर नेटवर्क, ठीक है, वायर नेटवर्क या वायर नेटवर्क या अल्ट्रा नेट नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क, तो वो बेसिकली ये बेसिक दो टर्म्स हैं, ठीक है। ऐसे साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस है नॉर्मली क्या था, जैसे भी इन्होंने कहा कि लोकली तौर पे, नॉर्मली पहले क्या था, साइबर स्पेस थी कि लोग अपने घर में कंप्यूटर्स लगाते थे, सर्वर्स लगाते थे, सर्वर्स कंप्यूटर्स लगा के उनका एक नेटवर्क डिप्लॉय करते थे, यानी कि अपना ही एक छोटा सा नेट बनाते थे, नेट बनाने के बाद वो भी छोटे से नेट से इंटरनेट पे अटैक करते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, छोटी साइबर स्पेस, जिसे हम अपनी होम लैब आजकल बोलते हैं, ठीक है, वो साइबर स्पेस थी, ठीक है। बट अब वो लगा एज कंपेयर टू आज के वक्त में, मैं देखो ना कंपेयर करूं उसे, तो वो बहुत महंगी बनती है, लाखों रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, दो दो लाख चार चार लाख का आपका एक सीपीयू रेडी होता है, फिर आपको एलसीडीज लेनी पड़ती हैं, फिर आपको 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है, और पाकिस्तान में तो लाइट जितनी जाती है आप लोगों को अंदाजा है, ठीक है, तो 24/7 तो आप ऑनलाइन 24 घंटे नहीं रह सकते ना, तो इट मीन्स फिर हम ये साइबर नेट ऑफलाइन नहीं काम करेगा, या फिर उसके लिए हमें दूसरे डिफरेंट चीज़ों का वो करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, जनरेटर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो वो काफ़ी महंगा एक सेटअप बन जाएगा। तो इसीलिए पूरे महंगे सेटअप हम नहीं बनाते आजकल, आजकल हम क्या करते हैं, हाँ क्लाउड हम ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा है, हम ऑनलाइन फिर हम सर्विसेज लेते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को हम कहते हैं क्लाउड सर्विसेज, हम ऑनलाइन क्लाउड पे कंप्यूटर्स ले लेते हैं, क्लाउड पे सर्वर्स बाय कर लेते हैं, जिससे फिजिकली हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम अटैक प्लान कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, वो प्राइवेट स्पेस हमें मिल जाती है, इंटरनेट के ऊपर ही हम प्राइवेट स्पेस बना लेते हैं, जिसे हम अपनी साइबर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये साइबर स्पेस है। तो ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है और ऑनलाइन भी होती है, एक लाइन में सिर्फ यही थी कि साइबर स्पेस इज द इंटरनेट, ठीक है। आपका हैकिंग करने की या सिक्योरिटी संभालने का कंट्रोल रूम जो है वो आपके साइबर स्पेस है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन कोई सवाल हो तो बताएं। आज के वक्त में उसे अपनी लैब ही कहते हैं कि जो हमारी लैब है, लेकिन जो हमारी लैब है वो मेरी अकेले की है, एक ऐसी लैब जो आप सबकी है उसे आप लैब ही कहते हो, सब साइबर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में हर वो चीज अवेलेबल है,
जो आपकी सेल्फ हमारी है ना, वही हमने अपने साथ लोगों को भी डिस्कस करनी है। लव चेंज हो जाएगा, मेरी खुद की है तो लैब है, लोगों के साथ है तो साइबर स्पेस है। ठीक है, हर हैकर की साइबर स्पेस होती है, इट मीन्स हर हैकर की एक टीम होती है, हर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की एक वो साइबर स्पेस होती है, इट मीन्स हर हैकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की एक टीम होती है। अब वो टीम दो से ऑनवर्ड जितने मर्जी बंदे हो, मिनिमम दो तो लाजमी है ना। अब दो से 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब जितने मर्जी अवाम की आप टीम इकट्ठी कर लो, वो आपके साथ है। ठीक है, अच्छा चले, अब बताएगा कोई साइबर, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल, बेसिकली इंट्रोडक्शन हमने देखा, काफी कुछ आपने बताया और हमने भी काफी डिस्कशन की है, तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? कोई सही गलत बता दो, हमने लिखा भी हुआ, लिखा हुआ है, इसी को पढ़ के चाहे एक्सप्लेन कर दो, लेकिन बताना आप में से किसी ने, कोई एक बंदा बता दे कि मैं इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं बता एक्सप्लेन कर सकता हूँ, खड़ा होकर बता सकता हूँ कि व्हाट इज दिस, लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सप्लेन करना। सर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हम लोग इसमें ना, कंप्यूटर सर्वर मोबाइल डिवाइस। एक बार रीड कर लो, एक पर्सन रीड करे ऊंची आवाज में, कौन रीड करेगा? साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स सर्वर्स मोबाइल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेटवर्क्स एंड डेटा फॉर्म मैलिशियस अटैक्स इट आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक आसान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी द टर्म अप्लाइज टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम बिजनेस टू मोबाइल सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा सॉरी मैंने नहीं देखा, सब लोग अच्छा जी ठीक है, तो हाँ जी पढ़ लिया। तो सर क्या एक प्रोग्राम भी एक हैकर होता है? और वो बेसिकली एक प्रोग्राम है ना, प्रोग्रामर जितना अच्छा हैकर बन सकता है ना, कोई और नहीं बन सकता। प्रोग्रामर नहीं सर, वो प्रोग्राम है ना, वो जिसकी आप बात करें बोटनेट बोलते हैं हमसे बेसिकली, तो ये मतलब के सारा कोई मिलता जुलता ही है, सेम सी स्टोरी है इंट्रोडक्शन की तरह है, जैसे इंट्रोडक्शन था साइबर सिक्योरिटी का, वैसे ही व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, ज्यादा कोई बड़ी या मुख्तलिफ चीज नहीं है। ठीक है, साथ बस प्रोटेक्शन है, सिर्फ प्रोटेक्शन है, मोबाइल कंप्यूटर जैसे अक्सर लैपटॉप जो है ना वो आते हैं कि उसमें प्रोसेसर जो लगा हुआ है ना वो इस पावर का लगा है जो पावर का प्रोसेसर मोबाइल में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो आगे हार्डवेयर के टर्म में आपको समझ आ जाएगी चीजें ना। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास जो लैपटॉप है इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वो मोबाइल प्रोसेसर नहीं है। अक्सर लैपटॉप्स हैं जैसे ये वाला छोटा लैपटॉप, ठीक है, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है मोबाइल, इसमें मोबाइल कंप्यूटरिंग है। ठीक है, यानी कि इसमें मदरबोर्ड प्रोसेसर जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी का लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके जी, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, बेसिक तो पता ही है यार, ये अभी डिस्कस कर रहे हैं, नहीं करेंगे इंप्लीमेंट आप साइबर सिक्योरिटी को तो डाटा लीक हो जाएगा। ठीक है, हैक हो सकते हैं, चोरी हो जाएगी, नुकसान हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज बैठ जाएंगी, इसलिए भाई जो इम्पोर्टेंट जरूरत है उसकी कि भाई ऐसा ना हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं पढ़ लो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, पहले तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सीखें करेंगे नॉलेज बेसिक, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट से इंट्रोडक्शन के बाद हमने यहाँ स्टार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें यह है कि साइबर कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको पता हो, जिसमें हार्डवेयर है, देन बेसिक सॉफ्टवेयर है, देन इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक, ठीक है, नेटवर्क का बेसिक, इंटरनेट यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल क्या है, हम सबको इसके इंटरनेट का तो पता है, हम सब यूज भी करते होंगे, लेकिन ऑनेस्टली बता सकता हूँ 10 वेबसाइटें 15 वेबसाइटों से ऊपर नहीं जाते, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, स्नैक वीडियोस और कौन सी है कॉमन वेबसाइट, फूड पांडा, टोरेंट वगैरह, ठीक है, मतलब ये 8-10-15 वेबसाइटों से ऊपर आप नहीं जाते। यार दुनिया का देखो 4% आप सर्व करते हैं, और उस 4% में भी लाखों वेबसाइट्स हैं, और लाखों में भी आप 4 पे नहीं गए, ठीक, इट मीन्स आपको इस्तेमाल नहीं पता इंटरनेट। ठीक है, देन गूगल डॉक्स,
सर्चिंग टेक्निक्स हैं जिनसे हम गूगल के सर्चिंग को मैनिपुलेट करते हैं, गूगल सर्चिंग मेथड्स को आप मैनिपुलेट करते हो, वो आप बेटर लगे रहो। ये इलीगल नहीं है, इसके आपके एसईओस के जो हैं और जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं आपकी वेबसाइट की, वो लोग यूज करते हैं। इसमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं जिसकी मदद से हम पिन पॉइंट किसी वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं। और आपका गूगल इतना स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन है कि अगर आप उसको आया नहीं बताओगे कि मेरा स्पेसिफिक ये वेबसाइट का पेज आपने क्रॉल नहीं करना, इसको इंडेक्स नहीं करना, उसको कर देगा। अगर आपने कहा नहीं करना, नहीं करेगा। अक्सर होता है कि जब हम वेबसाइट डेवलप वगैरह कर रहे होते हैं, हम इस चीज को स्किप कर देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। जब भी हम अपनी वेबसाइट रजिस्टर करते हैं, हम आपकी एक रोबोट और टेक्स्ट फाइल बनती है, उस फाइल में हम उसको बताते हैं कि आपने ये जगहों पे जाना है, इस चीज को क्रॉल करें। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपके डेटा बेस में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से गूगल डॉक है, ये इलीगल नहीं है, लीगल है। इसमें हम आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि ऑनलाइन मौजूद है। The thing is that we are not able to search that properly. ठीक है, हम जो नॉर्मल सर्चिंग करते हैं आपको आते हैं billions of search results। अगर आप गूगल डॉक को अपने डेली लाइफ रूटीन में यकीन माने, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप बहुत अच्छे रिसर्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, तो किसी चीज को पिन पॉइंट आप उसका वैल्यूबल क्वालिटी आप उसको जवाब दे सकते। तो गूगल डॉक इज बेसिकली अ मेथड जिसमें हम काफी चीजों को, हिडन चीजों को, जो कि नॉर्मल यूजर के लिए हिडन है ना, लिनक्स फंडामेंटल्स, जिसमें लिनक्स क्या है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये डिस्ट्रो से बेसिकली हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे पास लिनक्स के बहुत सारे हैं। और पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे एक्चुअल लिनक्स क्या है, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है, जो वीडियोज भी चलाता है, मूवीज भी चलाता है, जिसपे आप अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट लिनक्स ही क्यों, ये हमारे पास आके देखेंगे हम। अभी नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास अबाउट लिनक्स, तो उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। देन उसके बाद काइल लिनक्स, और देन उसके नीचे लिखा हुआ है पैरिट ओएस ईटीसी। तो लिनक्स के बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन हम दो को डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस है हमारे पास काइल लिनक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। देन पैरिट ओएस, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है और हमारे पास लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूटर है और हमारे पास मौजूद है हैकिंग के लिए, ठीक है। ये दोनों ही हम यूज करते हैं। और इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हजारों लाखों होंगे, कुछ टॉपर्स हैं, टॉप्स के हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बाकी जितने भी हैं वो होंगे, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, कल परसों हम डिस्कस करते जाएंगे। और अगर इन दैट केस भी आफ्टर सिक्स मंथ आपके सामने कोई लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूटर आता है जो हमने डिस्कस नहीं किया, तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अल्लाह आप लोगों से तंदुरुस्ती दे, घबराना नहीं है कम से कम, ठीक है। लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि तमाम लिनक्स की कमांड सेम है, तमाम फंक्शनैलिटी सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होगा, डिजाइन का। एक में डिजाइन आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, दूसरे में डिजाइन चेंज नजर आएगा, बस उस डिजाइन के अलावा कुछ भी चेंजिंग नहीं है। यहां पे चेंजिंग क्या होगी, एक में बाय डिफॉल्ट आपको 200 टूल मिलते हैं, 200 सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिलते हैं, आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। तो एक सॉफ्टवेयर है उसमें आपको 300 टूल इंस्टॉल मिलते हैं, आपको 300 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे, ये फर्क है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास कमांड्स, चीजें, फंक्शनैलिटी, वर्किंग, किसी चीज का फर्क नहीं है। तो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर 100% सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग होगी तो उसके डिजाइन में, सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगी कि यहाँ पे कोई और डिजाइन है, वहां कोई और है, ठीक है। जैसे ब्लैक बॉक्स आपने बात की थी, रेड बॉक्स होते हैं, इन फ्यूचर बात करेंगे, आगे आएगा डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट स्लाइड में वही डिस्कशन है, ठीक है। तो देन उसके बाद यहाँ कहता है कि रिक्वायरमेंट्स में एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, बट लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप फिर भी बहुत अच्छे हैकर हैं, ठीक है। बट अगला पॉइंट ये है कि रिक्वायर्ड है लैंग्वेज अगर आप प्रोफेशनली तरफ जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो आपका साइबर सिक्योरिटी बेसिक है,
इसमें आप लैंग्वेजेस की डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हम बेसिक से जब हम एडवांस तरफ शफल हो रहे होंगे विद इन अ सिक्स मंथ, तो हम इसमें अपना लैंग्वेज भी एक दो देखेंगे जिन लैंग्वेज से बैरिसेज वगैरह बनाए जाते हैं, देन पाइथन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, यानी कि हम एक दो लैंग्वेजेस को भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इतना कवर कर लेंगे कि आप सबसे कुछ ना कुछ बेसिक टूल बना सकें। पाइथन यूज करेंगे, पाइथन में हम अपने आप कुछ स्कैनिंग टूल्स बनाएंगे, खुद के स्कूल टूल्स बनाएंगे कि टूल बना के स्कैनिंग कैसे करनी है, देन हम बैश स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे कि बैश प्रोग्रामिंग कैसे होती है, विंडो की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उसे हम बैश स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, देन बैश स्क्रिप्टिंग के अलावा हम आगे स्क्रिप्ट राइटिंग दूसरी है, मतलब कि कुछ लैंग्वेजेस हैं, अच्छी लैंग्वेजेस हैं जो एज ए हैकर या एज ए साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को अच्छी नॉलेज देगी, ठीक है। पीएचपी भी हम यूज करेंगे, लेकिन इतनी नहीं, पीएचपी का हम शेल यूज करेंगे, पीएचपी का हम लैंग्वेजेस के से कोई टूल नहीं बनाएंगे, पीएचपी को हम बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे, देन पीएचपी के शेल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम पीएचपी से कोई टूल नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम जो टूल बनाएंगे वो पाइथन बेस बनाएंगे, क्यों वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की विजुअलाइजेशन क्या होती है, देन हमारे पास ये तीन सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन सॉफ्टवेयर हैं जो वेल नोन हैं, वीएमवेयर, इसके थ्रू हम विजुअलाइजेशन करते हैं, देन हाइपरवी के थ्रू करते हैं, देन विर्चुअल बॉक्स के थ्रू करते हैं, जो कि ओरेकल कंपनी का है, जबकि ओरेकल खुद से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और खुद से डिजाइनिंग लैंग्वेज भी है, Oracle इन सेल्फ डिजाइनिंग लैंग्वेज भी है, डेवलपमेंट लैंग्वेज भी है, यानी कि आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों Oracle पे बना सकते हैं, डेटाबेस भी है Oracle, ठीक है, तो Oracle इन ऑल सेल्फ सब कुछ अवेलेबल है उसमें, और Oracle ने ही अपना एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है जिससे आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं विजुअलाइजेशन, जब भी आप बात करते हैं, आप लोगों ने आंसर सही दिया है कि आप लोग एक मतलब के ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर इंस्टॉल कर लेते हो अपने एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन वो आप नहीं कर सकते। अगर हम नॉर्मली मैं कहूँ ना कि एक कंप्यूटर इंस्टॉल है, उसमें विंडो इंस्टॉल है, उसमें एक और विंडो इंस्टॉल कर दो, भाई जैसे इंस्टॉल करोगे प्रिंट डिलीट हो जाएगी, ठीक है, या रन टाइम पे एक चलाओगे, ठीक है, दोनों रन टाइम पे चलेंगी नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, हम ये तीन में से कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो क्या करेगा, विजुअलाइजेशन विर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। वो क्या होता है, आपके सिस्टम में से एक स्पेसिफिक पार्ट अलग कर देता है कि ये स्पेसिफिक पार्ट अलग करके मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या होता है आप उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करते हैं। अब क्या होता है, जब भी आप विंडोज वगैरह बनाते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने आंसर दिया तो अंदाजा है कि आप लोगों को विजुअलाइजेशन का पता है, तो क्या होता है कि जैसे आप विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं तो हम उससे पहले एक मशीन क्रिएट करते हैं, यानी कि उसके स्पेसिफिकेशन डिजाइन करते हैं कि इतने जीबी रैम हो, इतने जीबी स्टोरेज हो, इतने जीबी माना डाटा हो, और उसके बाद ये कार्ड इस्तेमाल करे, ये वाईफाई इस्तेमाल करे, हम सारा कुछ डिफाइन करते हैं उसे, ठीक है। वो बेसिकली हम अपनी हार्ड ड्राइव में से एक स्पेसिफिक पार्ट निकालते हैं उसकी विंडो के लिए, स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव अलग करते हैं, ठीक है, देन आप रैम में से स्पेसिफिक रैम उसे अलॉट करते हैं अलग से, और देन उसके बाद हम अपने प्रोसेसर में से स्पेसिफिक स्पेस, स्पेसिफिक पावर जो है प्रोसेसर पावर, वो हम अलॉट करते हैं कि ये स्पेसिफिक पावर इसको दे दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम जब चीजें अलॉट करते हैं उससे आप विजुअलाइजेशन कहते हैं कि एक सिस्टम के अंदर, एक होस्ट मशीन के अंदर मल्टीपल आप सेटअप्स क्रिएट कर देते हैं जिससे हम विजुअलाइजेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला है अबाउट काली लिनक्स। काली लिनक्स जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूटर है लिनक्स का, तो आप लोगों ने पूछा डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो वो बेसिकली ये है कि आपके पास जब स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे, ठीक है, एनवायरनमेंट कंप्यूटर से एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, तब बनाए गए थे दो से तीन एक स्टेप, एक पॉइंट का नाम था यूनिक्स, जिसे हम विंडो के नाम से जानते, यूनिक्स विंडो, एक था लिनक्स विंडो, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज से मिला के ना एक एनवायरनमेंट तैयार किया गया था, जिस एनवायरनमेंट का नाम रखा गया था यूनिक्स लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, उस लैंग्वेज से आगे ऑनवर्ड जितने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं यूनिक्स का, और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स के नेटवर्क से बनाए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूटर।
ठीक है। तो इट मीन जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर है। वो यूनिक्स से विंडो 10, विंडो 7, विंडो XP बनाई गई थी, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो लिनक्स का विंडो का डिस्ट्रीब्यूटर है या विंडो जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन सा है, यूनिक्स। और लिनक्स जो है हमारे पास उसका डिस्ट्रीब्यूटर आगे फर्दर काली लिनक्स है, पैरेट OS है, आर्च लिनक्स है, एंड फर्दर सो ऑन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको कहते हैं जो पीछे टर्मिनोलॉजी लिनक्स की या यूज करते हुए बनाया गया है, ठीक है। ओके अब क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। एप्पल लिनक्स है, एप्पल मिक्सअप सा है, जैसे लिनक्स भी बेसिकली थोड़ा मिक्सअप है। लिनक्स ने कुछ असेंबली लैंग्वेज से अपनी सेल्फ लैंग्वेज डिफाइन किया है, कुछ उसने यूनिक्स को यूज किया है। एप्पल भी ऐसा सेल्फ बेस है, उसने कुछ यूनिक्स को इस्तेमाल किया है, कुछ लिनक्स को इस्तेमाल किया है, कुछ उसने अपनी असेंबली लैंग्वेज से अपना कुछ अपना डिजाइन किया है, तो वो भी कस्टम मेड है। उससे आप समझ लें कि ना तो हम प्रॉपरली उसे यूनिक्स में काउंट कर सकते हैं एप्पल को, ना प्रॉपरली हम लिनक्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के सपोर्टिव है। डेबियन बेसिकली, अब यहाँ थोड़ी बहस ज्यादा लंबी चली जाएगी। एक्चुअल जो था ना, डेबियन एक कंपनी है, डेबियन एक नेटवर्क है जिसने लिनक्स से काली लिनक्स बनाई थी, ठीक है। ऐसे ही उसने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, काली लिनक्स बनाया, देन उसने पैरेट OS बनाया, देन उसने और भी बनाए, ठीक है। ये एक कंपनी है, ठीक है, उस एक नेटवर्क है जिसका नाम डेबियन नेटवर्क है, ठीक है। तो इसे बेसिकली कई लोग ये भी कहते हैं कि लिनक्स इज द डेबियन विंडो या डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह लो या आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, काली को काली इज द डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही बात है, ठीक है। ये कंपनी का एक नेटवर्क का एक नाम है, ठीक है। तो इसके आगे एक छोटा सा लिखा हुआ है कि लोगों ने इसे ना बैक ट्रैक के नाम से भी जानते हैं काले लिनक्स को। तो आप में से अगर कोई पर्सन जो सन 2008 में 9 में हैकिंग का शौकीन रखता हो, ठीक है, तब भी हैकिंग होती थी, तो तब बेसिकली जब, अब मैं थोड़ा सा बात चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा टर्म चेंज कर रहा हूँ, बेसिकली लिनक्स से बनाया गया था डेबियन और डेबियन से बनाया गया था बैक ट्रैक, ना कि काले लिनक्स, ठीक है। बैक ट्रैक बनाया गया था, उसी बैक ट्रैक के अंदर जब उन्होंने चीजें और ऐड कर दी तो उसको नाम चेंज करके बैक ट्रैक का नाम क्या कर दिया, काइल लिनक्स। यानी कि इट मींस अगर मैं कहूं कि काइल लिनक्स का पुराना नाम क्या था तो वो बैक ट्रैक है, ठीक है, क्योंकि काइल लिनक्स और बैक ट्रैक में कोई फर्क नहीं है, जस्ट उसका नाम चेंज किया था जब उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, ठीक है। और ये नाम चेंज हुआ था जब ऑफेंसिव कंपनी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के नाम से एक कंपनी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों ने काइल लिनक्स को ऑन किया था। यानी कि जब बैक ट्रैक को ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने ऑन किया था तो तब उसने उसका नाम चेंज करके बैक ट्रैक से कर दिया काइल लिनक्स। बेसिकली बैक ट्रैक उसे इसलिए कहते हैं कि आप प्रॉपरली, हमारे पास एक साइबर सिक्योरिटी में टर्म भी आती है बैक ट्रैक, जिसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोल रहे होते हैं, कि बैक टू पॉइंट। हैकिंग कैसे हुई, वहां तक वापस जाना होता है, यहाँ से शुरू होके, यानी कि जेड से शुरू होके ए पे वापस आना होता है, ठीक है, बैक टू द फर्स्ट पे हमने जाना होता है, इसलिए उसे बैक ट्रैक के नाम से हमने रखा गया था कि बैक ट्रैक से वो जहां से एक्टिविटी परफॉर्म हुई वहां से एक्टिविटी कैसे हुई वहां तक जाना, ठीक है। तो उसे अब काइल लिनक्स के लोग से भी लोग जानते हैं, ठीक है, इजी है। तो काइल लिनक्स के कुछ फीचर्स हैं जो कि बड़े ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से लोग काइल लिनक्स को यूज करते हैं। काइल लिनक्स का सबसे पहला फीचर, मोर देन 600 पेन टेस्टिंग टूल्स। इसके अंदर हैकरों के 600 से ज्यादा टूल्स इंस्टॉल हैं, यानी कि अगर आपको, इसलिए लोग इसे हैक ना काइल लिनक्स को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम टूल्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ओपन किया काइल लिनक्स इंस्टॉल की, देन रेडी टू गो, आप हैक करने के लिए तैयार हैं, चीजें करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी जो आपको इसमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब इसमें 600 टूल्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, पेन टेस्टिंग टूल्स, नॉट अ साइबर टूल, नॉट अ हैकर्स टूल, नॉट एनीथिंग एल्स। व्हाट इज पेन टेस्टिंग? वेरी गुड, ठीक है, प्रॉब्लम्स फाइंड करने को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। इट मींस कि यहाँ कोई हैकिंग के स्पेसिफिक अच्छे या बुरे टूल नहीं है,
यहाँ टूल्स मौजूद हैं जिससे आप कंप्यूटर्स की, नेटवर्क्स की, सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं। वो कितने टूल्स हैं? 600 से ज्यादा, या 600 तो इंस्टॉल्ड आते ही आते हैं ना। देन हमारे पास आगे कस्टम कर्नल, ये सारा कुछ है तो हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, या आप लोगों के लिए टास्क है